हेलो दोस्तों दोस्तों आज आपके साथ एक ऐसा कंटेंट शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपको केवल कॉपी पेस्ट करना है और वो भी यूट्यूब से उठाना है और यूट्यूब पर ही अपलोड कर देना है। जी हाँ, अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, बेवकूफ़ बना रहा है यार, यूट्यूब से उठाकर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो कैसे कॉन्टेंट चलेगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, क्लेम आ जाएगा। सुनिए भाई, तरीका जानिए, मैं आपको प्रूफ दूंगा, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा सबसे पहले कि इस तरह का कंटेंट आप बना सकते हैं, वाकई बना सकते हैं, लोग बना रहे हैं और इतना कमा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। कोई बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब करके भी इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता, कोई ज़्यादा ही बड़ा बिजनेस है तो शायद ही क्यों कमा ले, वरना मैं कह रहा हूँ कि इतना पैसा आप नहीं कमा सकते जो इस कॉन्टेंट से कमा सकते हो। बिल्कुल दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो, यकीन नहीं आता तो भाई आप बेशक छोड़ दो वीडियो, मत देखो, लेकिन वरना अगर आप इंटरेस्टेड हो यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए, कुछ ऐसा कंटेंट ढूंढ रहे हो कि जो आपको बहुत ही इजीली जो है प्रोवाइड हो जाए, बहुत इजीली आप उसको क्रिएट कर लें और आसानी से यूट्यूब पर अपलोड करके वहां से पैसा कमाएं, जिससे कि आपको कॉपीराइट क्लेम भी ना आए, स्ट्राइक भी ना आए, चैनल को खतरा भी ना हो, चैनल इजिली मोनोटाइज भी हो और एक महीने के बाद से ही आप अर्निंग स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों आप विश्वास करके इस वीडियो को एक बार देखें, मैं आपके साथ ऐसा कंटेंट शेयर कर रहा हूँ शायद ही अभी तक ऐसे कंटेंट के बारे में किसी ने आपको बताया हो। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर बात करूँगा, पहले सबूत दिखाऊंगा, उसके बाद आपको कंटेंट बताऊंगा किस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और आपको ऐसे दो तरीके भी बताऊंगा जिससे कि आपको कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं आएगा। यार भूल ही जाओ, छोड़ दो यार, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करता मैं आपका ज़्यादा, स्क्रीन लगाता हूँ। सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ आज आपको अर्निंग, सबसे पहले अर्निंग, उसके बाद आपको कंटेंट दिखाऊंगा। चलिए जी, तो देखिए मैंने यहाँ पर स्क्रीन प्ले कर दी है और मैं आपको सबसे पहले चैनल की अर्निंग ही दिखाने वाला हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा आपको कॉन्टेंट क्या है। देखिए जी, इस्टीमेटेड इनकी मंथली अर्निंग देखिए, $44,000 से लेकर के $7,00,000 तक ये महीने का अर्न करते हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कैलकुलेटर ठाएंगे तब भी माइंड चगरा जाएगा, इतना पैसा ये कमाते हैं। छोटा मिनिमम अमाउंट भी बताऊं, 25 से 30 लाख रुपए महीने का ये आराम से कमाते हैं। इस कंटेंट पर काम करके आप भी कमा सकते हैं लाख रुपए महीने का, इस तरह के कंटेंट पर काम करके। कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, आगे देखिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चैनल पर। देखिए यूट्यूब पर आ गया हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ HD 1080i, ठीक है। देखिए चैनल ये ओपन हो चुका है, यहाँ पर इनके सब्सक्राइबर्स देखें, 11,70,000 इनके सब्सक्राइबर्स हैं, 490 वीडियो अपलोड की है। और देखिए आ जाते हैं इनकी वीडियोस पर, व्यूज़ देखिए रिसेंट की वीडियो पर, अंदाजा है आपको, रिसेंट की वीडियोस पर देखिए 4.2 करोड़, 12 करोड़ों में व्यूज रिसेंट की वीडियो में है। पॉपुलर कंटेंट पर आऊँ तो भाई आपका माथा चकरा सकता, देखिए अंदाजा भी नहीं लग सकते, सब करोड़ों में वीडियोस हैं। चलिए मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। आपने देखी किस तरीके से इतने बड़े ट्रक में इस सबमरीन को रखकर ले जाया जा रहा है, इस तरह का कंटेंट है। आप नीचे भी देख सकते हैं जो पानी के शिप होते हैं ना, समुद्री शिप बड़े बड़े, कुछ उनके रिलेटेड वीडियोस हैं यहाँ पर। और इस तरह की वीडियोस भाई बहुत लोग देखते हैं यार, इंटरेस्ट आता है ऐसी चीज़ों को जानने में लोगों को, ऐसी वीडियोस कितनी चलती है तभी तो इन पर करोड़ों में व्यूज है। आपके सामने ऐसी वीडियो आएगी तो आप जिज्ञासा उत्सुकता से उसको देखेंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो ऐसा कॉन्टेंट है ये। चलिए अब जान लेते हैं आप इसको क्रिएट कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको देखे यहाँ पर अर्निंग दिखाई इनके चैनल की, आपको व्यूज़ दिखाए, सब्सक्राइबर्स दिखाए, सब कुछ दिखाया। चलिए एक प्रूफ और देता हूँ कि इनका चैनल मोनोटाइज है या नहीं, मैंने एक ये वीडियो प्ले कर दी है। कमेंट बॉक्स में जाते हैं, यहाँ पर देखिए थैंक्स, यानी कि सुपर थैंक्स का इनका बटन इनेबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चैनल मोनोटाइज है, ठीक है।
अब देखिए आपको जैसा मैंने बताया कि YouTube से उठाना, YouTube पर ही अपलोड करना, तो क्या करें, यहां से आप एक वीडियो अब जो है डाउनलोड कर लें। अब देखिए दोस्तों डाउनलोड कैसे करनी है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये होती है YouTube गाइडलाइंस के खिलाफ, ठीक है, बताऊंगा तो भाई मेरा चैनल ही खतरे में आ जाएगा। तो डाउनलोड आपने कर लिया है, अब देखिए डाउनलोड करने के बाद आपको किस तरीके से ये एडिट करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको आप एक बार चलिए मोबाइल स्क्रीन पर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कैसे एडिट करना है। दो तरीके मैं आपको बताऊँगा, देखिए एक तरीका बाद में बताऊँगा, एक तरीका अभी बता देता हूँ। आपको इस तरीके से एक मोबाइल फ़ोन उठाना है और उसका यहाँ पर कैमरा ओपन कर देना, फेस कैमरा, ठीक है, और यहाँ पर एक रिएक्शन वीडियो शूट कर लेनी है एक मिनट की, ठीक है, कर लिया आपने। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तरह की वीडियोस कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत इजी है, YouTube से उठाओगे, YouTube पर अपलोड कर दोगे, अगर ऐसे ही अपलोड कर दोगे तो भैया देखो ये तो गलत है, कॉपीराइट क्लेम भी आएगा, स्ट्राइक भी आएगा, तरीका जानिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ बेस्ट तरीका, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को बाद में एक लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है, मैं आपके लिए इस तरह का कंटेंट लाता रहता हूँ। तो दोस्तों देखिए काइन मास्टर मैंने यहाँ ओपन किया है, प्लस के आइकन पर जाकर 9:16 रेशियो सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर मीडिया में जाना और उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना जो आपने डाउनलोड की है। देखिए मैंने एक सबमरीन वाली जो आपको प्ले करके दिखाई थी वही वीडियो मैंने यहाँ पर एक डाउनलोड की है, ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं 33 सेकंड की ये वीडियो है। अब देखिए आपको सबसे पहले यहाँ करना क्या है, करना ये है आपको सबसे पहले इसका ओरिजिनल ऑडियो म्यूट कर देना है, ध्यान से समझिए, फास्ट बताऊँगा ताकि वीडियो भी आप लंबी ना हो और आप बोर भी ना हो। इसका ओरिजिनल ऑडियो म्यूट कीजिए, लेयर पर जाकर इसका जो कलर सेचुरेशन है एडजस्टमेंट में जाकर इसको थोड़ा सा अप डाउन कीजिए, ठीक है, इसको मैचिंग से बाहर कर दीजिए, जब भी अल्गोरिदम आपकी वीडियो में मैच करेगा तो आपकी वीडियो वहाँ मैच नहीं होगी और कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक कोई भी, यानी कि ये चैनल ये कंपनी भी आपको नहीं दे पाएगी। इसके बाद आप स्पीड पाइए, इसकी स्पीड को आप या तो थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए या थोड़ा सा कम कर दीजिए, दो काम आपको जरूर करने हैं, ठीक है, या तो कम या ज़्यादा, इससे क्या होगा आपकी वीडियो स्पीड में भी मैच नहीं होगी, अल्गोरिदम पकड़ ही नहीं पाएगा कि ये दोनों वीडियो एक हैं, ठीक, दो काम आपने यहाँ पर कर दिए, ओरिजिनल ऑडियो म्यूट कर दिया तो इसमें अब इस टाइम कोई भी साउंड नहीं है। तो आपको सिंपली करना क्या, वॉइस के ऑप्शन पर जाना और यहाँ पर दे देनी है अपनी वॉइस, देखिए बताता हूँ आपको, तो हेलो गाइस आप यहां पर देख सकते हैं कितनी बड़ी सबमरीन को एक छोटे से ट्रक में लेकर के जाया जा रहा है, वो भाई मैंने पहली बार इतना बड़ी सबमरीन को इतनी पास से देखा है कि आखिर ये कैसी होती है। तो चलिए मैंने आपको एग्जांपल बताया है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से इत्मीनान के साथ में स्क्रिप्ट तैयार करके, क्या बोलना हमें क्या नहीं बोलना हमें, ये सब कुछ तरीके से आप इसमें वॉइस ओवर कर सकते हैं, ठीक, तो एक तरीका तो हो गया आपका ये, ठीक है, अगर आप इसमें वॉइस ओवर नहीं करना चाहते, ठीक है, तो वो भी सुन लीजिए, इसमें लगाइए कोई कॉपीराइट फ्री एक बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक, वो आपने लगा दिया, अब आपको करना क्या है, आपने जो भी वीडियो अपनी शूट की है रिएक्शन वीडियो उसको लेयर पर जाना और यहाँ पर ले लेना मीडियम आके, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, देखिए यो वीडियो हमारी यहाँ पर आ चुकी है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए क्रॉपिंग में जाकर इसका शेप ले लेना है, शेप ले लिया हमने इसमें गोल, ठीक है, आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं, तो हमने इसको शेप ले लिया और इसको अभी हम यहाँ साइड में कॉर्नर में ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ मर्जी वहाँ इसको लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लगाने से क्या होगा आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर आ जाएगी, ठीक है, और इसको पूरी वीडियो में अप्लाई कर देना जितने भी मिनट की जितने भी सेकंड की आपकी वीडियो है, ठीक है, तो देखिए ये तो तरीका उन लोगों के लिए था जो वॉइस ओवर नहीं कर सकते, ठीक है, अगर जो वॉइस ओवर कर सकते हैं तो वॉइस ओवर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका चैनल मोनोटाइज होगा और अगर आप यहाँ रिएक्शन अपना फेस लगाएंगे रिएक्शन वीडियो शूट करके अपनी
तब भी आपका चैनल मोनोटाइज होगा। अब देखिए, इससे आपको मैंने दो तरीके बताए, इसको अल्गोरिदम यूट्यूब का बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा, ना तो स्पीड में, ना कलर में, और ना वॉइस में, ठीक है। और ये खुद का कॉन्टेंट बन गया आपका, समझ गया ना, ये अब आपका खुद का कंटेंट बन गया है। और देखिए, मैं आपको इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इस तरह की वीडियो 8 से 10 वीडियो भी अपलोड कर दी ना अपने चैनल पर, तो रिजल्ट आपका कुछ और ही निकल कर आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ। तो दोस्तों, आई होप आप दोनों तरीके बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अब आपको ये एक्सपोर्ट कर लेनी है, ठीक है, हाई क्वालिटी पर एक्सपोर्ट करके अपलोड कर देनी है। और देखिए, इसकी कैटेगरी अगर आप भाई ये बोलोगे भाई हम इसकी कैटेगरी क्या रखें, तो देखिए इसकी कैटेगरी आप व्हीकल रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें व्हीकल के अंदर ही आती है। अगर आप इस तरह का जो है कैटेगरी चूज करेंगे, तो YouTube आपकी वीडियोस इन्हीं लोगों के पास रिकमेंडेश करेगा जो इस तरह की वीडियोस देखते हैं, और व्यूज भी ज़बरदस्त आएगा, ठीक है। तो बस चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलेंगे आपसे फिर से ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।